आज 10 अक्टूबर से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है। नवरात्रि 9 दिनों तक मनाया जाता है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा भी की जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामना देवी माँ जरूर पूरा करती हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती हैं, इसलिए वो अपने सच्चे भक्तों के सारे दुख दर्द और परेशानियों को भी दूर करती हैं। आज हम आपको इस नवरात्रि में ऐसे कुछ गुप्त काम करने के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आपको माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये इसलिए गुप्त काम है क्योंकि शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पूजा और भोजन व्यक्ति को हमेशा छुपाकर ही करना चाहिए। ऐसे बहुत से काम हैं जो कि छुपाकर करना चाहिए, जो कि आज हम आपको उन कामों के बारे में बताने वाले हैं। उसे आप गुप्त रखकर ही करें, इससे आपके ऊपर इस नवरात्रि में देवी माँ की बहुत ही कृपा होगी। तो चलिए आपको बताते हैं उन कामों के बारे में। पहला, 9 देवियों के 9 ध्यान मंत्र होते हैं। शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको बारे में पता हो, लेकिन ये आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आपके घर जिस भी दिन जिस माता की पूजा हो, उस दिन छुपकर घर में माता के ध्यान मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिए। ऐसा करने वाले लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। दूसरा, जो लोग धन लाभ पाना चाहते हैं, वो शाम के समय माँ की पूजा कुछ खास तरीके से करें और ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। पूजन शुरू करने से पहले आप अपने आसन के सामने 9 दिए जला लें और एक थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और इसे भी अपने सामने रख लें। माँ के पूजा में फूल, रोली और कुमकुम जरूर शामिल करें। ऐसा आप नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ की पूजा करें, आपको ऐसा करने पर जरूर लाभ मिलेगा। तीसरा, अगर इस नवरात्रि में आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रोजाना एक घी का दिया तुलसी माता के सामने जरूर जलाएं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये दिया आपको आधी रात को जलाना है। इससे माँ दुर्गा आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगी, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना भी नहीं। चौथा, दान करना सबसे पुण्य का काम होता है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर इंसान को दान करना चाहिए। ऐसे में आप नवरात्रि में किसी गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो माँ दुर्गा बहुत ही खुश होती हैं। ऐसे में अगर आप किसी गरीब को पैसे ना देकर बल्कि उसका इलाज करवा दें या फिर उसके बच्चे के शिक्षा का खर्च वहन कर लें, तो माँ दुर्गा आपसे और भी खुश होती हैं। लेकिन ये सारे काम आपको गुप्त रखना है, इसका जिक्र आपको किसी से भी नहीं करना है, यहाँ तक कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं उससे भी नहीं। ऐसा करने से आपके द्वारा किया हुआ दान गुप्त रहेगा और माँ देवी आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाली है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से वृंद राय की रिपोर्ट।